हुआ ये है क्योंकि हमारा सेल कांस्टेंट की जो रीडिंग थी वो थी 1.41 मिली सीमेंस, और जो हमारी ईसी की रीडिंग आई थी वो आई थी 414.2 माइक्रो सीमेंस। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स का चेंज है। हमने अपने एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को ये दिखाया कि इसी TDS एनालाइजर में हमने अपना सेल कांस्टेंट रीडिंग अपने KCl 0.0 नॉर्मल 1 नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए लिया था, उसके हिसाब से हमारी सेल कांस्टेंट रीडिंग थी 1.41 मिली सीमेन। ध्यान देने की बात है कि ये रीडिंग मिली सीमेंस में थी, और जब हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रीडिंग लेनी चाहिए जिसके लिए हमने अपना सॉइल सैंपल यूज किया था, उसमें हमारी रीडिंग आई थी 414.2 माइक्रो सीमेंस। देखें, आप फोकस करते हुए देखें कि जो हमारा 1000 माइक्रो सीमेंस है वो बराबर होता है 1 मिली सीमेंस के बराबर, और क्योंकि हमारी रीडिंग 414.2 यानी कि 414.2 माइक्रो सीमेंस है, इसलिए हम इसको मिली सीमेंस में बदलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि 414.2 माइक्रो सीमेंस को मिली सीमेंस में बदलने के लिए 414.2 को 1000 से गुणा करेंगे, जिसके हिसाब से हमारी रीडिंग आएगी 0.4 मिली सीमेंस, यानी कि हमारी सॉइल की कैटेगराइजेशन है सेफ सॉइल। आज हम बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस हमारी मिट्टी में दो तरीके से प्रेजेंट होता है। एक हमारी मिट्टी होती है जिसमें फास्फोरस या जो जिसको आप कह सकते हैं जिसका पीएच 6 से कम होता है, और एक मिट्टी होती है जिसका पीएच 6 से ज्यादा होता है। तो जिस मिट्टी का पीएच 6 से ऊपर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्सिन मेथड। उस मिट्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं जिसका पीएच 6 से कम है, बट ये रिकमेंडेड होगा, ये ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसके लिए ब्रे मेथड यूज करें। तो क्योंकि हमारी मिट्टी का पीएच है 7.2, तो आज हम आपको दिखाएंगे ऑल्सिन मेथड के द्वारा किस तरीके से हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अपनी फास्फोरस का मिट्टी में एनालिसिस करते हैं। तो ये है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि एलिको लिमिटेड कंपनी का है, और इसका मॉडल है SL177। तो चलिए हम अपने पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। कागज के उसी हिसाब से दो फोल्ड्स बनाने हैं जैसे कि हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ये देखिए, जैसे जैसे मिट्टी इस कागज पर पड़ रही है उस तरीके से वेट बढ़ता दिखाई दे रहा है। मिट्टी का वजन लेने के बाद अब हम अपनी 2 ग्राम मिट्टी इस अर्लिंगमेयर फ्लास्क में डालेंगे। इस तरह से ये मिट्टी इस अर्लिंगमेयर फ्लास्क में डालने के बाद हम इस फ्लास्क में, ये है आपके सामने कार्बन ब्लैक या एक्टिवेटेड चारकोल, इसका बहुत थोड़ा सा स्कूप हम लेंगे। इतना सा, और अब इसको एक्टिवेटेड चारकोल को हम अपने मिट्टी में डालेंगे इस अर्लिंगमेयर फ्लास्क में। इसके बाद हमारा जो एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन है उस एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन का हम 40 ml लेंगे, जैसे कि आप इस मेजरिंग सिलेंडर में देख सकते हैं ये 40 ml एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन है। इसको इसमें डालने के बाद आधे घंटे तक आपको इस सॉल्यूशन को हिलाना है ताकि ये पूरी तरीके से मिल जाए इसमें। उसी तरीके से हम एक ब्लैंक भी प्रिपेयर करेंगे और इस ब्लैंक को हम इसी के साथ रन करेंगे। तो ब्लैंक प्रिपेयर करने के लिए हम पहले थोड़े सा कार्बन ब्लैक लेंगे, बहुत एक स्मॉल स्कूप लेंगे जिस जितना हमने अपने सॉइल सैंपल के लिया था। इसको हम अपने अर्लिंगमेयर फ्लास्क में डालने के बाद 40 ml एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे लिया है, इस 40 ml एक्सट्रैक्टिंग सॉल्यूशन को अपने ब्लैंक के लिए इस एक्टिवेटेड चारकोल में डालेंगे। इसमें डालने के बाद अब हमारे पास 2 अर्लिंगमेयर फ्लास्क हैं, जिसमें एक में हमारा सॉइल सॉल्यूशन है और दूसरे में हमारा ब्लैंक है।
अब इन दोनों सैंपल स्केल को हम अपने ऑर्बिटल शेकर में आधे घंटे के लिए साथ में शेकिंग करेंगे ताकि जो सॉल्यूशंस हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं। तो अब हम अपने ऑर्बिटल शेकर की तरफ जाएंगे और इन दोनों को आधे घंटे के लिए शेकर पे रखेंगे। अब अपने दोनों कॉलिकल फ्लास्क को हम अपने शेकर पे रखेंगे। ये है हमारा सॉइल सैंपल और ये है हमारा ब्लैंक। और अब मेन प्लग को ऑन करने के बाद हमारा शेकर काम करना शुरू कर देगा और आधे घंटे के लिए हम अपने सॉइल सैंपल और ब्लैंक दोनों को आधे घंटे के लिए ऑर्बिटल शेकर में रखेंगे ताकि फॉस्फोरस को रीड करने के लिए हमें काम में चाहिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब हम आपको अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंस्टॉलेशन दिखाते हैं। ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की पिछली साइड यानी कि बैक साइड। इस बैक साइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सॉकेट है। ये है स्विच प्लग पे लगाने वाला सॉकेट जो कि इस वायर के द्वारा हम इस सॉकेट पे लगाएंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे ऑपरेट करेंगे हम। सबसे पहले जो आपका मेन स्विच है इसको प्लग ऑन करें। उसके बाद जो मैंने आपको एक काले रंग का पीछे बटन दिखाया था उसे नीचे की तरफ प्रेस करें तो वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑन होगा आप देखेंगे कि स्क्रीन पे एक रीडिंग आएगी जो कि एलिको लिमिटेड के बारे में पहले बताएगी और उसके बाद वो अपनी रीडिंग्स लेगी। जिस समय पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अपनी अलग अलग तरीके की रीडिंग लेता है जैसे फिल्टर रीडिंग, क्यूबिट होम अंडर प्रोग्रेस और लैम्प रीडिंग, तब तक आप इससे इसके साथ छेड़छाड़ ना करें और थोड़ा सा समय बनाकर आप इसको करने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है लैम्प टेस्टिंग अंडर प्रोग्रेस प्लीज वेट, यानी कि आप थोड़ी देर रुकिए जब तक वो अपनी रीडिंग लेता है। अब क्योंकि टेस्टिंग हो चुकी है तो आप स्क्रीन पे देखेंगे लैम्प ओके। जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करते हैं तो उस समय सबसे पहले आपके पास एक फोर मोड सेटिंग ऑप्शन आता है जिसमें कि आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पहला होता है स्कैन, दूसरा मल्टी वेवलेंथ, तीसरा कंसंट्रेशन और चौथा पीसी। तो सबसे पहले आप अपने टू नंबर बटन से मल्टी वेवलेंथ पे जाएं। वहां पे वापस आपको फोर ऑप्शन मैसेज मिलेगा जिसमें पहला ऑप्शन होता है सेटअप, दूसरा होता है रीड, तीसरा व्यू और चौथा प्रिंट। तो इस बार आप वन नंबर बटन को प्रेस करते हुए सेटअप में जाएं। जब आप सेटअप पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो सेटिंग होती है, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है वो 340 होती है, जबकि हमें फॉस्फोरस टेस्टिंग के लिए जो वेवलेंथ चाहिए होती है वो 882 नैनोमीटर होती है। तो इसके लिए हम 340 को 882 में चेंज करेंगे। इसलिए हम 882 प्रेस करके इसे सीधे एंटर ना करें, क्योंकि अगर आप 882 प्रेस करके सीधे एंटर करेंगे तो मशीन एक्चुअली में जो रीडिंग लेगी वो वापस 340 पे लेगी। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि 882 जब हम ऑप्शन फीड कर देते हैं तो हम यस बटन को प्रेस करें। एक बार यस बटन प्रेस करने से जो हमारा कर्सर होगा वो सेकंड नंबर ऑप्शन पे आकर के ब्लिंक करेगा। इसे वापस हम यस बटन के थ्रू थर्ड नंबर पे लाएंगे। जब ये थर्ड पे अब हमारा कर्सर ब्लिंक करे तब हम एंटर इसे करेंगे। एंटर करने के बाद अब जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो रीडिंग लेगा वो 882 नैनोमीटर पे ही लेगा। ये हम आपको दिखाते हैं। क्यूबिट सेट 2 एंटर करने के बाद नंबर ऑफ सैंपल्स आपके जितने हैं आप उसे एंटर करें। उसके बाद रेफरेंस हम अपने क्यूबिट में डाल के इसे एंटर करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अपनी रीडिंग लेना शुरू करेगा और वही चीज वो इधर डिस्प्ले करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे आप मैसेज देख रहे हैं कि रीडिंग रेफरेंस एट 882 नैनोमीटर। इसीलिए आपसे रिकमेंडेड है कि 882 फीड करने के बाद उसके यस ऑप्शन में जाएं, फिर एक और यस दबाएं और फिर आप उसे एंटर करें, तभी वो आपके सैंपल और रेफरेंस 882 पे मेजर करेगा, अदरवाइज आपके सैंपल 340 पे मेजर होगा। जब हमने 882 नैनोमीटर का अपना वेवलेंथ फीड किया, एंटर दो बार यस दबाने के बाद, एंटर करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें क्यूबिट सेट्स का नंबर होगा। तो क्यूबिट सेट्स 2 नंबर प्रेस करने के बाद आप इसे एंटर करें। उसके बाद ये आपसे नंबर ऑफ सैंपल्स मांगेगा। जो हम स्टैंडर्ड्स यानी कि जो हम स्टैंडर्ड सैंपल्स प्रिपेयर करते हैं वो एक्चुअली 6 होते हैं,
बट उनमें से जो पहला हमारा सैंपल होता है वो सैंपल नहीं होता है, वो हमारा एक्चुअली में रेफरेंस लिया जाता है। तो हमारे 6 के बजाय हमारे पास 5 सैंपल्स होते हैं, और इसलिए हम नंबर ऑफ सैंपल्स 6 नहीं, क्योंकि पहला जो है वो एज अ रेफरेंस लिया जा रहा है, तो नंबर ऑफ सैंपल्स हम 5 प्रेस करेंगे। और 5 प्रेस करने के बाद हम इसे एंटर करेंगे, और अब हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमसे रेफरेंस मांगेगा पहले क्यूबिट में। उससे पहले मैं आपको इधर पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में और कुछ बताते हुए दिखाती हूँ कि ये है वो प्लेस जहाँ पे हम अपने क्यूबिट्स रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 सांचे हैं, यानी कि आप 4 क्यूबिट्स को एक साथ रख सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे हम 2 क्यूबिट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो मैं हमेशा उसे पहले क्यूबिट और दूसरे क्यूबिट में रखूंगी। अगर आप 3 क्यूबिट्स एक साथ ले रहे हैं तो आपका ऑर्डर होना चाहिए 1, 2 और 3, और अगर आप 4 ले रहे हैं तब आपका ऑर्डर होगा 1, 2, 3 और 4। क्योंकि हम यहाँ 2 क्यूबिट्स के साथ अपनी रीडिंग पहले दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लेंगे। आप कभी भी इसे फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और फोर्थ नहीं ले सकते हैं। ये रही आपकी क्यूबिट, और जैसे कि आप देख सक रहे हैं, एक सांचे को अगर हम गहरी तरीके से देखें तो हम देखेंगे कि एक साइड पे इसका एक नंबर लिखा है और उसी की ऑपोजिट साइड पे एक स्क्रू है। तो हम हमेशा इस क्यूबिट को इस तरीके से डालेंगे कि इसका रफ सरफेस जो होगा वो एक स्क्रू की तरफ, और दूसरा रफ सरफेस जो होगा वो 1 डिजिट के साथ में आए, कुछ इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने 6 स्टैंडर्ड्स बनाए हैं अपने सॉइल सैंपल को यूज करके, वो किस तरीके के हैं। आप इस तरफ देखें तो आपको दिखेंगे 6 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो हमने सॉइल सैंपल को लेकर के बनाए हैं। जो पहली लाइन है जिसपे हमने 0, 1, 2, 4, 8, 10, दूसरी लाइन पे आप देखेंगे कि कुछ डिजिट हैं, यानी कि 0.00, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64 और 0.80, यानी कि ये दर्शाता है कि कितना फॉस्फरस हमारे स्टैंडर्ड सैंपल्स में है, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में है जो हम PPM यूनिट द्वारा मनापते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इन सैंपल्स में देखेंगे कि जो नीले रंग है इसकी गहराई जो है ये बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारे पहले सैंपल में आप जिसमें कि 0.0 PPM है फॉस्फोरस का, वो कम नीला है, और आप ये वाला देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा गहराई है। गहराई फॉस्फोरस की मात्रा द्वारा हर सैंपल में बढ़ती जाती है, यानी कि इसमें PPM नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, इसमें 0.08 फॉस्फोरस है, इसमें 0.16 PPM फॉस्फोरस है, इसमें 0.32 PPM फॉस्फोरस है, और इसमें 0.64 PPM फॉस्फोरस है, और इसमें 0.80 PPM फॉस्फोरस है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फॉस्फोरस की मात्रा है, इसलिए ये इन सब में सबसे ज्यादा नीला है। तो आपको हम दिखाएंगे कैसे क्यूबिट पे हम कैसे उसको साफ करते हुए, कुछ चीजें ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से उसमें रेफरेंस सॉल्यूशन डालते हुए हम उसको उसमें डालते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्यूबिट बॉक्स है, इसमें से हम अपना पहला क्यूबिट निकालेंगे। अब सबसे पहले अपने क्यूबिट को डिस्टिल वाटर से अच्छी तरीके से 2 बार धोएं, अंदर भी और बाहर भी। ये है रेफरेंस सॉल्यूशन जिसके आगे 0 लिखा हुआ है। इसको लेते हैं और पहली बार में ये रेफरेंस सॉल्यूशन को आप अपने क्यूबिट में भरेंगे। पहला रेफरेंस मटेरियल डालने के बाद इसे वापस इस बीकर में फेंक दें। दूसरी ध्यान देने वाली बात है, अब जो हम अपना ब्लैंक सॉल्यूशन इस क्यूबिट में डालेंगे उसे सिर्फ 2/3 तक भरें। इसके बाद आप अपने टिश्यू पेपर से इसकी जो ट्रांसपेरेंट साइज है उसको ध्यान से दोनों तरफ से पोंछ लें। अपना क्यूबिट 2/3 लेवल तक भर दिया है। अब हम इस क्यूबिट को अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये 2/3 लेवल तक ही भरा हुआ है। अब इसको हम अपने क्यूबिट बॉक्स के अंदर डालेंगे और फिर ये अपना रेफरेंस रीडिंग जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेगा। तो इस तरीके से इसको इसमें डालेंगे। अब इसकी लिड जो है इसको बंद करेंगे और इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे जो ये राइट हैंड साइड पे एंटर का बटन है इसे प्रेस करेंगे।
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अपना काम करेगा और वो अपनी रीडिंग थोड़ी देर में आपको बताएगा। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे ये दिखा रहा है कि रेफरेंस की रीडिंग वो ले रहा है 882 नैनोमीटर पे। अब रेफरेंस की उसने रीडिंग ले ली है, अब वो हमें बता रहा है कि सैंपल्स को अपने बॉक्स के अंदर रखें ताकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उनकी भी रीडिंग ले सके। अभी हमारा रेफरेंस मटेरियल था और इसे अब हम फेंक देंगे। फिर आप अपने क्यूबिट को डिस्टिल वाटर से अच्छे तरीके से रिंस कर लें। ये वाला जो सोल्यूशन है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को 2/3 लेवल तक भरेंगे। इस तरीके से हमने अपना 0.08 ppm का स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक पे भरा और इसको भरने के बाद टिश्यू पेपर से इसके जो ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस हैं उसे हम बाहर से पोंछ लेंगे। अब अपने पहले क्यूबिट को फर्स्ट नंबर के सांचे में ऑपोजिट रफ सर्फेसेस को स्क्रू की साइड और डिजिट की साइड रख के, और तो वापस इस क्यूबिट को भी उसी तरीके से धोएंगे, रिंस करेंगे डिस्टिल वाटर से। और अब जो हमारा 0.16 ppm का जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसे लेकर के हम वापस अपने सिंक क्यूबिट में भरेंगे, फिर से 2/3 लेवल पे ही। इस तरीके से हम अपना सेकंड क्यूबिट भर के उसे टिश्यू पेपर से दोनों सरफेस पे पोंछेंगे, दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पोंछेंगे। अब इसी क्यूबिट को 0.16 ppm वाले को सेकंड सांचे पे दोनों ऑपोजिट रफ सर्फेसिस को सेकंड डिजिट और स्क्रू की साइड पे रख के छोड़ देंगे। अब स्लिट बंद करके हम सैंपल्स को रख के एंटर करेंगे। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अपना काम कर रहा है, वो पहले सैंपल की रीडिंग ले रहा है 882 नैनोमीटर पे। पहली रीडिंग लेने के बाद अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेकंड रीडिंग लिया, उसके बाद उसने दोनों रीडिंग्स ले ली है, अब वो नेक्स्ट सैंपल्स मांग रहा है। तो अब हम अपने पहले दो क्यूबिट्स को बाहर निकाल के, ये हमने अपना पहला सेकंड सैंपल जो था, जो सेकंड सांचे पे था, वो निकाला। और उसी तरीके से पहले सांचे से भी ऑपोजिट रफ सर्फेसेस को पकड़ के हमने अपना दूसरा क्यूबिट निकाला। अब इन क्यूबिट्स को वापस डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे। अब अपने सारे सैंपल्स रीड करने के बाद आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की स्क्रीन पे ये रीडिंग आती है, यानी कि इसमें चार मोड जाते हैं, पहला सेटअप, सेकंड रीड, थर्ड व्यू और फोर्थ प्रिंट। क्योंकि हम सेटअप पहले कर चुके हैं और हम रीड भी कर चुके हैं, इसके बाद हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे, यानी कि व्यू ऑप्शन पे। इसलिए हम राइट हैंड साइड पे जो हमारे ये डिजिट्स दिए हैं, इसमें जो थर्ड नंबर वाला डिजिट है जिसपे थर्ड लिखा है साफ, उसको प्रेस करेंगे। पहले सैंपल की रीडिंग है जो कि 882 नैनोमीटर पे ली गई है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन 0.048 है और ट्रांसमिशन परसेंटेज ट्रांसमिशन जो उसके सामने है वो 89.5 है। जैसे कि ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी 0.048 है और परसेंटेज ट्रांसमिशन 89.5 है। ये लिखने के बाद अब हम दूसरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि 0.16 ppm जो ये आपको यहाँ साफ दिख रहा है, इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की रीडिंग चेक करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे प्रेस करेंगे। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है सैंपल 2 एट 882 नैनोमीटर वेवलेंथ, इसमें इसके अब्सॉर्प्शन यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी 0.090 और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस 81.2 है। यही रीडिंग्स मैं वापस दोहराती हूँ कि ये 0.16 ppm वाले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए है, जिसे मैं सेपरेट अपने नोटपैड पे भी लिखूंगी। हमारे सैंपल्स की जिनकी अलग अलग ppm है, यानी कि 0.08 ppm वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 0.16 वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 0.32 ppm वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, 0.64 ppm वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और 0.80 ppm वाला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ऑप्टिकल डेंसिटी का फिगर इस तरह से है कि ये हमारा बढ़ता चला जा रहा है, वेयर एज
अगर हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की तरफ ध्यान दें तो हम देखेंगे कि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ppm की कंसंट्रेशन के हिसाब से कम होता गया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि मेरे बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में एक सैंपल है जिसमें कि आपका सॉइल है और कार्बन ब्लैक है। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारी सॉइल है यानी कि ये हमारा टेस्टिंग सैंपल है, जबकि मेरे राइट हैंड में जो सैंपल है वो उसमें सॉइल नहीं है पर इसमें सिर्फ एक्टिवेटेड चारकोल यानी कि कार्बन ब्लैक है, इसलिए हम इसको ब्लैंक सैंपल की तरह ट्रीट करेंगे। अब इन दोनों सैंपल्स को यानी कि लेफ्ट सैंपल जिसमें सॉइल है और दूसरा राइट सैंपल जिसमें सॉइल नहीं है, हम इन्हें सेपरेट फिल्टर करेंगे। इन दोनों को हमने फिल्टर होने के लिए रखा था, तो अब जो हमें फिल्ट्रेट मिला है इन दोनों फिल्ट्रेट के 5-5 ml हम अलग अलग अपनी फनल्स में डालेंगे पिपेट द्वारा। तो ये है हमारा ब्लैंक सैंपल। तो ये तो हमने अपना 5 ml ब्लैंक सैंपल कलेक्ट कर लिया और अब हम अपने सॉइल सैंपल में से भी 5 ml पिपेट द्वारा इसमें से निकाल के अपने फ्लास्क में डालेंगे। अब हमारे पास 5 ml के एक ब्लैंक सैंपल और एक सॉइल सैंपल है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं हम एक थोड़ा सा पीला कलर इसमें देख रहे हैं। ये पीले रंग को हटाने के लिए, इसे ब्लीच करने के लिए इसमें हम 2 ड्रॉप पैरा नाइट्रोफिनॉल की डालेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम अपने सॉइल सैंपल और ब्लैंक सैंपल दोनों सैंपल्स की अलग अलग क्राइटेरिएशन वैल्यू को यूज करते हुए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उनका ऑप्टिकल डेंसिटी और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकालेंगे। तो अभी लैम्प टेस्टिंग क्योंकि चल रही है तो हम थोड़ा समय देते हैं और अब देखिए लैम्प ओके का मैसेज आया है, तो यानी कि अब हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अब मोड में पहले देखा आपने 4-point mode आया है जिसमें पहला स्कैन, दूसरा मल्टीपल वेवलेंथ, तीसरा कंसंट्रेशन और चौथा PC आया है। तो अभी हम अपने सॉइल सैंपल और ब्लैंक सैंपल की रीडिंग के लिए मल्टीपल वेवलेंथ ऑप्शन में जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड जो बटन है इसे प्रेस करेंगे। तो अब हम अपने सेटअप में जाएंगे और इसके लिए हम पहला बटन प्रेस करेंगे। अब हम अपनी वेवलेंथ इसमें फीड करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कर्सर जो है प्लेस 1 पे है और 1 में ये फर्स्ट डिजिट पे ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ 3 की बजाय मैं इधर देखे आप 8 डिजिट है, तो जो 8 नंबर डिजिट है इसे मैं प्रेस करूंगी। और देखिए यहाँ पे फर्स्ट कर्सर पे जो पहले 3 था वो 8 हो चुका है, सेकंड कर्सर पे जब ये ब्लिंक करे तो आप वापस 8 फीड करें। अब हमारा कर्सर राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है और वो 3rd डिजिट पे आके ब्लिंक कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे जो कि हम 2 नंबर बटन से यहाँ पे करते हैं। ये फीड करने के बाद आप इसे एंटर करें। अब जब हमने अपनी वेवलेंथ फीड कर ली है, सेटअप हो चुका है, यानी कि अब हम पहला ऑप्शन छोड़ें और अब हम दूसरे ऑप्शन में जाएं यानी कि रीड ऑप्शन, जो कि हम सेकंड डिजिट बटन से करेंगे। अब यहाँ पे हमसे क्यूबिट सेटिंग मांग रहा है, हमारे पास 2 क्यूबिट्स हैं इसलिए हम यहाँ पे 02 ही फीड करेंगे। जो नंबर ऑफ सैंपल्स हम यहाँ दिखाएंगे वो 2 नहीं वो 1 दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक सैंपल है और एक रेफरेंस मटेरियल है। तो यहाँ पे मैं इसको 01 में चेंज करूंगी, 0 and 1। अब इसे हम एंटर करेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स हम 1 फीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि हमें स्क्रीन पे है प्लेस रेफरेंस एंड फर्स्ट क्यूबिट, तो सबसे पहले हम अपना रेफरेंस जो है पहले क्यूबिट में डालते हुए आगे बढ़ते हैं। जो रेफरेंस सैंपल आप लेफ्ट हैंड पे ब्लू रंग का देख रहे हैं ये रेफरेंस सैंपल है जिसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं है, और जो दाएं हाथ पे दिख रहा है आपको ये है हमारा सैंपल जो कि हमने मिट्टी से लेके बनाया है। अब मैं क्यूबिट में सबसे पहले ये रेफरेंस सैंपल जो है इसे डालूंगी, क्योंकि हमारे मॉनिटर पे मैसेज था कि रेफरेंस सैंपल को फीड करें ताकि वो उसकी रीडिंग ले लें। लिड को ओपन करके पहले सांचे में डालेंगे और 1 डिजिट और स्क्रू की तरफ हमारे जो ओपेक और रफ सरफेस है उसे रखेंगे। अब लिड को बंद करें और इस यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करें। अब वो रीडिंग काम कर रहा है,
रेफरेंस का रीडिंग लेने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारी मैसेजिंग जो है वो बदल चुकी है। उसमें ऑप्शन हमारे पास जो मैसेज है वो है प्लेस सैंपल। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लिड को ओपन करके अपनी क्यूवेट को में जिसमें रेफरेंस मटेरियल था, ओपेक सरफेस यानी कि ट्रांसपेरेंट सरफेस को पकड़ के बाहर निकालेंगे और फिर हम अपना दूसरा क्यूबिट लेकर के ये जो हमारा सैंपल है यानी कि सॉइल सैंपल है जिसकी रीडिंग हमें लेनी है उसे इसमें 2/3 लेवल तक भरें। इस तरीके से सॉइल सैंपल को भरने के बाद आप अपने टिश्यू पेपर से इसे इसके दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेसेस जो हैं उन्हें पोंछ लें। हम वापस अपने पहले सांचे में रखेंगे, जो हमारे रफ सरफेसेस हैं उन्हें फर्स्ट डिजिट और स्क्रू की तरफ रखते हुए अब हम लेड को बंद करेंगे और सैंपल प्लेस करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब हम अपने सैंपल को व्यू करने के लिए कि उसकी कितना ऑप्टिकल डेंसिटी आई है और कितना परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है उसके लिए हम थर्ड ऑप्शन में जाएंगे यानी कि व्यू ऑप्शन में। तो ये हम अपने थर्ड नंबर डिजिट पे से प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं इसने रीडिंग दिखाई है। अब देखिए हमारा जो सैंपल था सॉइल सैंपल उसकी इसने 882 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी 0.042 और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस 90.8 पे दिखाया है। इस तरीके से आप अपनी रीडिंग को दिन एक जगह नोट कर ले। एक्सपेरिमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए हम दिखाएंगे कि हमारे फॉस्फोरस सॉल्ट टेस्ट के लिए किस तरीके से हमें कैलिब्रेशन ग्राफ कर्व निकालना होता है। तो इसके लिए हमें दो एक्सेस लेनी होती हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हम आपको कंसंट्रेशंस दिखाते हैं जो कि हमने ली थी 0.0 ppm, 0.8 ppm, 0.16 ppm, 0.32 ppm, 0.64 ppm एंड 0.80 ppm। इस कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे लिखते हुए हम वाई एक्सिस पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ग्राफ प्लॉट करते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये किया जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ppm लिखी है, कंसंट्रेशन जो थी हमारी फॉस्फोरस की हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस में, और इस तरफ वाई एक्सिस पे हमने परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के लिए स्केल लगाया है। अब पहला 0 ppm के लिए जो हमारी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस थी ब्लैंक सैंपल के लिए वो होती है 0, वो होती है 100%। तो हम एक डॉट 100 पे वाई एक्सिस पे लगाएंगे। दूसरा जो हमारा दूसरा पहला सैंपल था और वो उसकी हमारे जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस थी वो थी हमारी 89.5%। तो उसका डॉट हम इधर लगाएंगे। आगे बढ़ते हुए सेकेंड सैंपल के लिए जो कि हमारा 0.16 ppm का था उसकी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस थी 81.2, तो उसका डॉट हम इधर पे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी 0.64 ppm की कंसंट्रेशन के लिए जिसका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस था 51%, तो उसका डॉट हम इधर लगाएंगे। और लास्ट सैंपल 0.80 ppm वाले के लिए 45% ट्रांसमिटेंस दिखाने के लिए यहाँ पे हमें डॉट बनाएंगे। अब ये सारे डॉट्स बनाने के बाद हम अपने रूलर से एक ग्राफ इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन बनाएंगे जो कि हमें कर्व देगा हमारी परसेंट ट्रांसमिटेंस का। ये है हमारा कैलिब्रेशन कर्व जो कि मैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके मिलाते हुए बनाऊंगी। आप ये सारे प्लॉट्स पॉइंट्स देख सकते हैं अलग तरीके से और इन्हीं को एक एक करके जोड़ते हुए हमारा ये कैलिब्रेशन कर्व तैयार है। इस तरीके से हमने अपना कैलिब्रेशन कर्व तैयार किया अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए। और उसके बाद जैसे कि आपने देखा था हमने अपना फॉस्फोरस कंटेंट निकालने के लिए अपने सॉइल सैंपल से एक सॉल्यूशन तैयार किया था जिसकी रीडिंग भी हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ली थी और वो रीडिंग जो हमारे अननोन सॉइल सैंपल की थी वो थी 90.8 जो है ये परसेंट ट्रांसमिटेंस था। तो यही चीज अब हम अपने कैलिब्रेशन कर्व में ग्राफ में बनाएंगे और देखेंगे कि ये कितने पे आता है। आप देख रहे हैं ये 90.8 जो हमारा
परसेंट ट्रांसमिटेंस थी हमारे अननोन सैंपल की, उसके अगेंस्ट हमने कंसंट्रेशन देखी है तो वो फॉल करती है 0.06 पे। मैं आपको फिर से पॉइंट करते हुए दिखाऊंगी कि परसेंट ट्रांसमिटेंस जो हमारे अननोन सॉइल सैंपल की थी वो 90.8 पे थी और वो फॉल करता है नीचे कंसंट्रेशन 0.06 पे। यानी कि हम कहेंगे कि 0.06 जो कंसंट्रेशन हमारी है वो उसको हम अगर 100 के हिसाब से लेके चलेंगे तो वो 0.06 कंसंट्रेशन वो 100 से मल्टीप्लाई होकर के दिखाएगा कि ये हमारी 6 ppm फास्फोरस कंटेंट हमारे सॉइल सैंपल में है। जैसे कि हमने आपको दिखाया, हमने अपने ब्लाइंड सॉल्यूशन और एक सॉइल सैंपल को अलग अलग 5 ml निकाला था। अब इन्हीं दो सैंपल्स, ये जो राइट पे दाएं हाथ पे है ये है हमारा ब्लाइंड सैंपल और जो मेरे बाएं हाथ पे लेफ्ट पे है ये हमारा सॉइल सैंपल। आप इसमें अंतर देख सकते हैं, इन दोनों में रंगों का अंतर है, कलर्स का अंतर है। इन दोनों सैंपल्स में हमने 20 ml डिस्टिल वाटर अलग अलग डाला है और अब हम अपने रिएजेंट बी जो कि ये नीला सैंपल आप देख रहे हैं इसका 4 ml लेके ब्लाइंड सैंपल और अपने सॉइल सैंपल दोनों में 4-4 ml का रिएजेंट बी डालेंगे। और हमारे पीछे, हमारे इसके पीछे ये डालने का मोटिव है कि हम